Hello everyone, today we are going to study chapter number 8, multiple and factors, problem set number 35 we are going to complete in today's video. So let's start with the first question. Determine whether the pair of numbers given below are co-prime numbers. अब co-prime numbers मतलब क्या होता है? मतलब उन दोनों में सिर्फ one common होना चाहिए. Okay, so remember only one thing, that co-prime number means दोनों के बीच में, सपोज दीज आर द टू नंबर्स, तो ये दोनों के बीच में सिर्फ वन कॉमन हो जाना चाहिए. ओके, सो लेट्स फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 22. द फैक्टर्स ऑफ 22 आर 1, 2, 11 एंड 22. बराबर. सो व्हाट आर दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 22, मतलब 22 ये सारे टेबल में आता है. देन 24 कम्स इन द टेबल ऑफ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. ओके, मतलब हमने क्या किया, वी हैव टेकन द फैक्टर्स ऑफ 22 एंड 24. दिस आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 32 ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन, 33 ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन हाउ टू टेक द फैक्टर्स. ओके, सो आफ्टर टेकिंग द फैक्टर्स, टेक द कॉमन फैक्टर्स. अब इसमें दो कॉमन फैक्टर्स है, बराबर. हाउ मेनी? 1 एंड 2 आर द कॉमन फैक्टर्स. 2 कॉमन फैक्टर्स आर देयर, मतलब दीज नंबर्स आर नॉट को प्राइम. सो देयर फोर 22 एंड 24 आर नॉट को प्राइम नंबर्स. व्हाई दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स? बिकॉज दे आर हैविंग मोर देन वन कॉमन फैक्टर. ओके, सिर्फ वन होना चाहिए था, देन इट वुड हैव बीन अ को प्राइम नंबर. गॉट इट चिल्ड्रन? इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर. सेकेंड इज 14 एंड 21. सो द फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 21 आर 14, 1, 2, 14 कौन से टेबल में आता है, दैट यू ऑल हैव टू राइट. देन 1, 3, 7 एंड 21 के टेबल में 21 आता है. नाउ इसमें से कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 1 और 7. अगेन टू फैक्टर्स आ देयर, मोर देन वन फैक्टर इज देयर. सो देयर फोर 14 एंड 21 आर नॉट को प्राइम नंबर्स. The third one is 10 and 33. So अब इसके factors निकालते हैं 10 and 33 के. So 1, 2, 5 and 10. बराबर. So 10 ये सारे tables में आता है, 33 1 के table में, 3 के table में, 11 के table में और 33 के table में आता है, right? So इसमें से common factors कौन से हैं? 1. ओके, मतलब अभी यहां पे ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर. देयर फोर 10 एंड 33 आर को प्राइम नंबर्स. ऑल राइट, फोर्थ क्वेश्चन इज 11 एंड 30. सो द फैक्टर्स ऑफ 11 एंड 30 आर 11 के फैक्टर्स है, 1 और 11, मतलब 11 सिर्फ 1 के टेबल में और 11 के टेबल में आता है. देन 30 के फैक्टर्स है, 1, 2, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में, 6, 10, 15 के टेबल में भी आता है एंड 30 ऑल्सो. अब इसमें से कॉमन कौन सा आया? 1. ओनली 1 फैक्टर इज देयर, देयर फोर 11 एंड 30 आर को प्राइम नंबर्स. बहुत ईजी है, इट इज़ वेरी ईजी टू रिमेंबर ऑल्सो. नाउ द फिफ्थ सम इज 5 एंड 7. सो द फैक्टर्स ऑफ 5 और 7, 5 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, 7 भी 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है. देयर फोर ओनली 1 कॉमन फैक्टर, देयर फोर 5 एंड 7 आर को प्राइम नंबर. ऑल राइट, नाउ द सिक्स्थ वन इज 15 एंड 16.
अब यू विल सी 15 एंड 16 क्या है, दे आर टू कॉन्जिगेटिव नंबर्स. ओके, देयर फोर इसमें हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और यू ऑल कैन रिमूव द फैक्टर्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. बट 15 एंड 16 आर कॉन्जिगेटिव नंबर्स. ओके, सो यू ऑल कैन राइट 15 एंड 16 आर टू कॉन्जिगेटिव नंबर्स. देयरफोर 15 एंड 16 आर को prime numbers. All right, so these are supposed to be your co-prime numbers. Now seventh one is 50 and 52. So the factors of 50 and 52 are, 50 ke factors hai 1 2 5 10 25 50. 52 ke factors hai 1 2 4 13 26 52. Now how to remove the factors, I have explained in the previous video. The link of that video will be provided in the description box. Please check it over there if you all are not able to find the factors. Ab in dono mein common factors hai 1 and 2, therefore there are more than two factors in common. Therefore 50 and 52 are not co-prime numbers. All right, now the last one is eighth one, which is 17 and 18. Okay, ab wapas 17 and 18 are two conjugative number. Therefore 17 and 18, इसके अगर factors भी निकलते हैं children, then only one is only going to be, only one factor is going to be common, that is 1. So therefore 17 and 18 are co-prime numbers. All right, I hope this exercise is clear to everyone. See you in the next video. Till then, take care. Bye.